हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग फिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ये अपना क्या है, लैडर फिक्शन। एक्चुअली लैडर फिक्शन बेस्ड अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अपन लोग मोमेंट को अप्लाई करने वाले हैं। मोमेंट इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में डिस्टेंसेस दी हुई हैं और मुझे यहाँ पे एक्स निकालना है। एक्स बोले तो एक डिस्टेंस ही निकालना है। दिस इज़ वाई ये अपना क्वेश्चन जो है स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं क्या पूछा आपको। अ यूनिफॉर्म लैडर ए बी, आपको एक लैडर दिया हुआ है ए बी का, ठीक है। ओके, लेंथ देखो कितना दिया आपको, 20 मीटर दिया हुआ है। एंड वेट डब्लू, देखो लेंथ कितना दिया आपको, 20 मीटर, 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। और उसका वेट देखो क्या है, डब्लू है, जो कि क्या होगा, मिड पॉइंट से नीचे की तरफ। ओके, दिखा रहे हैं उसको अपन। इज सपोर्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट ए, ठीक है। देखो ये जो आपको लैडर दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे देखो कहाँ पे सपोर्टेड है, ए पे। और वर्टिकल वॉल पे देखो कहाँ पे सपोर्टेड है, ये बी पे। एंड बाय अ वर्टिकल वॉल एट बी, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ पे 45 डिग्री बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, और अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ मैन हुज वेट इज वन हाफ दैट ऑफ द लैडर असेंस द लैडर। देखो एक आदमी है जो लैडर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसका वेट बताओ क्या दिया है, डब्ल्यू बाई टू दिया हुआ है। जो जो लैडर का वेट है उसका हाफ किसका वेट होगा, मैन का वेट जो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। असेंस द लैडर मतलब क्या होगा, असेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ना, ठीक है। हाउ मच लेंथ ऑफ एक्स ऑफ द लैडर ही शल क्लाइंब बिफोर द लैडर स्लिप्स, मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स पूछा है, और एक्स क्या होता है, अपना डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस को अपन कहाँ पे निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के हेल्प से। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो आपको लैडर बनेगा उसको अपन एफ बी डी यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो यहीं पे इसको एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। तो देखो तो पॉइंट ए के अबाउट देखो आपको जो रिएक्शन लगे, देखो कैसे लगेगा। देखो उसका सरफेस कौन सा, ये वाला सरफेस है कि नहीं, ये आपको जो लैडर है देखो कौन सा सरफेस पे पड़ा हुआ, इस सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो रिएक्शन लगेगा, लेट्स सपोज दिस इज एन ए, ठीक है। वैसे को बी देखो कहाँ पे लगा हुआ, इस वर्टिकल वॉल पे, इस पॉइंट के अबाउट लगा हुआ है, तो एक यहाँ बना दो, दिस इज एन बी, ठीक है। ओके, अब सीढ़ी जो जो स्लिप करेगा, जो आपका लैडर जो स्लिप करेगा वो कैसे स्लिप करेगा, ऐसे स्लिप करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा। तो सीन से नीचे आएगा तो आपको फ्रिक्शन फोर्स पता कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा कहाँ पे, म्यू एन बी, ठीक है। और यहाँ पे आगे आने वाला है तो यहाँ पे देखो कैसे रहेगा अपना, ये म्यू एन ए। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में म्यू बिटवीन लैडर एंड द वॉल, वॉल बोले तो ये वाला और लैडर बोले तो ये वाला। तो यहाँ पे जो म्यू बी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, म्यू बी देखो कितना दिया है, दिया है 1/3, ठीक है, दैट इज 0.33। और एक और चीज़ दिया है, म्यू बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर, फ्लोर और लैडर के बीच में, दैट इज म्यू ए, इसको आप म्यू ए ले लो। दिस इज वॉट ये आपको दिया हुआ है 1/2, विच कैन बी रिटन है 0.5। ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं लिखना भूल गया था लेकिन आपको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना हो गया एफ बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे पहले करना क्या है, एन ए और एन बी की जो है वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले, देन ओनली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पहले हम बताओ क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ले लो यहाँ पे, तो 0 लेने पर बताओ क्या मिलेगा मुझे। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो एन बी आपको पॉजिटिव में है। देखो यहाँ पे टोटल फोर्सेस कितने कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें से ये वर्टिकल है, वर्टिकल वर्टिकल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। तो एन बी माइनस ये बताओ आपने क्या है, म्यू ए, एन ए है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया आपके यहाँ पे। तो इम्प्लाइज एन बी बताओ आपने क्या हो जाएगा, ये एन ए बताओ, म्यू ए बताओ क्या दिया आपने, 0.5 दिया, तो 0.5 टाइम्स, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे एन ए लिखेंगे, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स एन ए, ठीक है। दोनों को अपन लिख के रखते हैं, देखते हैं किसको कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब बताओ हम क्या निकालेंगे, जैसे इसको निकालेंगे वैसे हम क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई निकाल लेंगे, तो समेशन एफ आई इक्वल टू 0 कर लो। आगे बढ़ते हैं, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, देखो म्यू इसको म्यू भी लिख लेते हैं, ठीक है, म्यू बी एन ए दोनों ऊपर चढ़ रहा है, तो एन ए प्लस म्यू बी एन बी ऊपर चढ़ रहा है, डब्लू और ये डब्लू माइनस टू नीचे आ रहा है कि नहीं, तो डब्लू माइनस डब्ल्यू बाई टू ये अपना क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके,
तो इसको अपन वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। और देखो अपना एन बी के वाले जो कितना था, 1/2 था कि नहीं, तो इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एन ए इम्प्लाइज लगा दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू बी। देखो म्यू बी कितना दिया, 1/3 दिया, तो दिस इज 1/3 टाइम्स। देखो ये अपने कितना है, 1/2 टाइम्स एन ए हो जाएगा ये, ठीक है। वहाँ बताओ जाएगा तो क्या होगा, देखो वहाँ पे दिस विल बिकम 3W/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा यहाँ पे, एन ए प्लस दिस इज वॉट, दिस इज 1/6, 1/6 एन ए, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए कॉमन निकालो, देखो अपना क्या आएगा, 7/6 एन ए इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा अपना यहाँ पे, 3W/4 आया, नहीं 3W/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6+1 दैट इज 7/6, ठीक है। तो यहाँ से बताओ हम निकालेंगे एन ए कितना आएगा, इसको इससे काट लो, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 × 3 9, 9/7, 9/7 टाइम्स डब्लू, ये अपने एन ए की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो फ्रॉम लिखा पे लिखो फ्रॉम 1, ठीक है, एन बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स एन ए दैट इज 9/7 टाइम्स डब्लू। तो ये बताओ कितना आएगा अपना, 9/14 टाइम्स डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एन ए और एन बी की जो वैल्यू अपने को मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ डब्लू, ठीक है। देखो अपने को डब्लू के टर्म ही दिया है सब कुछ, जो वेट आपको दिया हुआ है, चाहे लैडर का बोलो या फिर वेट वेट ऑफ मैन बोलो, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डब्लू, तो ठीक है। अब देखो मुझे करना है क्या, एक्स को निकालना है। तो एक्स के लिए देखो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे जहाँ पे अधिक से अधिक फोर्सेस जीरो हो जाए। तो देखो अगर मैं ए पे लेता हूँ तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स पॉइंट ए से आपको गुजरेगा तो क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं सी पे लेता हूँ तो देखो तो म्यू ए एन ए यहाँ से पास करेगा, वैसे म्यू बी एन बी यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ पे लेने पे क्या होगा, ये और ये अपना क्या जीरो हो जाएगा। वैसे अगर मैं बी पे लेता हूँ तो ये और ये अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी देखो मैं क्या करूँगा, मोमेंट अबाउट ए जीरो करूँगा, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ओके अब देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये अपना जीरो हुआ कि नहीं, तो बचा कौन सा चार फोर्स, 1, 2, 3 और ये 4, ये चार फोर्सेस अपने यहाँ पे बचेंगे। तो ठीक है एक एक करके लेते हैं, पहले हम बताओ किसको लेंगे, एन बी को लेते हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पे लिखो एन बी, ठीक है। देखो एन बी बताओ ए के अबाउट कैसा आएगा, ये क्लॉक वाइज आ रही है, तो सिंस अपने ये क्लॉक वाइज आता है तो अपना क्या करें, नेगेटिव हो जाएगा। क्लॉक वाइज मतलब नेगेटिव और एंटी क्लॉक वाइज मतलब पॉजिटिव, तो एन बी अपना क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा, तो नेगेटिव हो गया अपना ये, बढ़िया। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो देखो तो एन बी का देखो लाइन ऑफ एक्शन कैसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ओ बी। फिलहाल अभी अपन लोग नाम लिख के रखते हैं, फिर बाद में अपन लोग निकालेंगे कि ओ बी की वैल्यू क्या है और बाकी की वैल्यू क्या है, ठीक है। आ जाओ म्यू बी एन बी पे, म्यू बी एन बी पे, ठीक है। ओके अब देखो तो ये वाला जो है अबाउट ए, कैसे देखो अपना आएगा पॉजिटिव, नहीं कैसे देखो अपना ये क्लॉक वाइज है, ठीक है। तो अपना क्या होगा, अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा। और डिस्टेंस देखो कैसा होगा, सिंस इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा दिया हुआ है तो ये अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा विच इज़ ओ ए, तो राइट हियर ओ ए, ये अपना हो गया, बढ़िया। दो फोर्सेस और बची हुई हैं, देखो अपना पॉइंट सी पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं उसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं, दिस इज सी, तो लेट्स सपोज दिस इज सी वन, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू का नेचर अबाउट ए इज एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे लिखो प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कौन सा होगा, ए सी वन होगा, ठीक है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगा कि नहीं, तो इसको देखो 90 डिग्री कौन सा बन रहा है अपना, ए सी वन, तो यहाँ पे लिखो ए सी वन, लिख दिए। अब यही बचा आपको, ठीक है, तो उसको आप नीचे लिख आ जाओ ऐसे, ठीक है। लेट सपोज इफ दिस इज एम, तो लेट सपोज दिस इज एम वन, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू बाई टू देखो कैसा होगा, ए के अबाउट एंड अगेन एंटी क्लॉक वाइज, तो अगेन पॉजिटिव डब्ल्यू बाई टू राइट हियर ए एम वन, यस ए एम वन, ठीक है, दिस इक्वल्स टू जीरो। मुझे करना क्या होता, तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले मुझे क्या चाहिए, ओ बी ओ ए ए सी वन ए एम वन, तो ठीक है। अपन एक एक ट्राइंगल लेते हैं, कंसिडरिंग ट्राइंगल ए ओ बी, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। देखो मुझे पहले बताओ क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, तो ओ बी निकालना है मुझे, ये लेंथ पता है दिस इज हाउ मच, दिस इज 20 मीटर, ये बताओ अपना एंगल कितना है, 45 डिग्री, ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना क्या हाइपोटेन्यूस है, तो बताओ अपन कौन सा लगाएंगे, साइन 45 लगाएंगे, तो साइन 45 बताओ अपने कितना होता है, ओ बी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो यहाँ लिखो
ओ बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ बताओ अपन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ओ बी बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना, ए बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ए बी तो मुझे पता, दिस हाउ मच 20, ठीक है। आपको तो ए बी कितना दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो ए बी कितना है, 10 + 10 दैट इज 20 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, कैलसीस उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑन प्रेस कर लें यहाँ पे, अच्छा इसको ओके, ये अपना हो गया, ठीक है। तो बताऊँ पहले करना क्या है, 20 × sin 45 करना, तो 20 × sin 45, साइन 45 तो कितना आएगा अपना यहाँ पे, दिस इज 14.14 मीटर, ठीक है। वो भी निकाल रहे, वो भी सर डिस्टेंस, दैट्स वाई मीटर। कोई बच्चे हो सके तो यहाँ पे न्यूटन भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना वो भी अपना क्या है, डिस्टेंस है, दैट्स वाई मीटर। फिर देखो इसी ट्राइंगल में अपने क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। तो कंसिडर इन दिस ट्राइंगल, दिस अपॉन दिस विल बी cos 45, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो cos 45 डिग्री इक्वल्स टू, देखो अपना क्या होगा यहाँ पे, ओ ए अपॉन में ए बी आएगा अपना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपना क्या निकालना है, ओ ए निकालना, तो ओ ए इक्वल्स टू देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, ए बी cos 45 डिग्री। अब cos 45 sin 45 एक ही होता है, ए बी भी कॉमन होगा, तो यहाँ बताओ क्या आएगा, सेम आएगा 14.14 मीटर। ये अपना क्या हो गया, ओ ए और ओ बी की वैल्यूज हो चुकी हैं, ठीक है। दो वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे, ए सी वन और ए एम वन निकालेंगे। तो ए सी वन देखो कैसे निकालेंगे, कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, ठीक है। अपन ये ट्राइंगल को लेंगे जिसमें सी बताओ कितना दिया अपने, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, बढ़िया। तो इन ट्राइंगल क्या बताओ, तो ए सी वन सी, ए सी वन सी, ठीक है। बताओ ये निकालना मुझे, तो कॉस आएगा बिकॉज दिस अपॉन दिस विल बी cos 45। तो कॉस यहाँ पे लिखो cos 45 डिग्री कॉस टू ए सी वन अपॉन में ए सी, ये अपना हो गया। इम्प्लाइज करो मुझे क्या निकालना, ए सी वन निकालना है, तो ए सी वन इक्वल टू ए सी इंटू cos 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो ए सी बताओ कितना, 10 दिया हुआ है, तो 10 × cos 45, ठीक है। तो निकाल लेते इसको कैसा आएगा, 10 × cos 45 डिग्री, देखो कितना अपना आएगा, दिस इज 7.07, तो राइट हियर 7.07 मीटर्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे बता दो आप, ए ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ए एम वन एम लेंगे और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए एम वन निकालना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ए एम वन लिखा है कि यहाँ पे, तो बस लिखो इन ट्राइंगल ए एम वन एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज जस्ट लाइक दैट, दैट इज cos 45 डिग्री इक्वल्स टू ए एम वन अपॉन में ए एम, ठीक है। ये ट्राइंगल लेंगे, ये निकालना है, ये मुझे पता है, दिस इज हाउ मच एक्स, तो दिस अपॉन में एक्स इक्वल्स टू cos 45 बनेगा अपना। तो ये अपना बताओ क्या है, ए एम वन जो मुझे निकालना है अपॉन में एक्स हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज ए एम वन इक्वल्स टू एक्स cos 45 डिग्री, ये अपना हो गया, जो भी होगा किसमें होगा, ये मीटर्स में होगा। तो ठीक है, यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अब ये इन सब के बताओ वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर जब रखेंगे ना तो क्या होगा बताए, जितने भी डब्ल्यू वाले क्वांटिटी हैं सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास एक ही अननोन क्वांटिटी रहेगा, दैट विल बी एक्स। और मुझे करना क्या है, उसी एक्स को यहाँ पे निकालना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कुछ दिया था यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, माइनस एन बी, एन बी बताओ अपना कितना दिया यहाँ पे, 9/14 टाइम्स डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो ओ बी बताओ कितना था अपने यहाँ पे, ओ बी क्वेश्चन था 14.14, तो 14.14 ये अपना हो गया, ठीक है। अब माइनस म्यू बी, देखो म्यू बी अपने क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो म्यू बी अपने कितना दिया यहाँ पे, म्यू बी क्वेश्चन 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट है 1/3, ठीक है, 1/3 एम बी कितना देखो यहाँ पे, इंटू 9/14, ठीक है, डब्ल्यू अगेन इंटू ओ ए, ओ ए कितना था, इतना ही था, दैट इज 14.14, ये अपना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस डब्ल्यू टाइम्स ए सी वन, देखो ए सी वन कितना था अपने यहाँ पे, ए सी वन इक्वल्स टू 7.04, ठीक है, 7.07 एक्चुअली, तो यहाँ पे लिखो 7.07, ये अपना हो गया। फिर यहाँ पे लिखो प्लस W/2 टाइम्स ए एम वन, देखो एम वन अपना कितना था यहाँ पे,
एक्स इंटू कॉस 45, एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू जीरो, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, सब जगह डब्ल्यू है, तो क्या होगा, आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हो डब्ल्यू निकाल के वहाँ पे भेज दिए, तो अपने क्या जीरो हो गया। अब करना क्या बताओ, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। अपने पास पूरी इक्वेशन देखो क्या है, एक ही अननोन दैट इज एक्स, और मुझे करना है यहाँ पे क्या है, एक्स को ही निकालना है, ठीक है। तो एक एक को अपन जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 14.14 × 9 कर दिए, ठीक है। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 14 करेंगे। अब ये हो गया, देखो अपना कितना निकला, ये 9.09 विथ नेगेटिव साइन, 9.09, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो अपने क्या दिया है, नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव रखो यहाँ पे इसको, दिस इज, इसको से काट लो, दिस इज 3, तो 3 × 14.14, तो 3 × 14.14 ये अपना हो गया, डिवाइड बाई 14 ये अपना आ गया। देखो कितना आएगा यहाँ पे अपना, 3.03, सब कुछ हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना, 7.07 ही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, देखो x cos 45/2 लिखा है, तो एक काम करते हैं, cos 45/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, cos 45 डिग्री कितना है, इतना है, डिवाइड बाई 2 कर लो उसको, तो देखो अपने कितना आएगा, ये 0.3535, तो यहाँ देखो 0.35 × x = 0। अब एक काम करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको वहाँ पे भेज देंगे और इसको अपन डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिख लो, ठीक है। ये सब, ये तीनों वैल्यू को वहाँ पर रखने से क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको प्लस प्लस, इसको माइनस कर लेते हैं, तो दिस इज 9.09 प्लस 3.03 माइनस 7.07 हो गया। देखो अपना कितना आएगा, ये 5.05 आएगा, तो इम्प्लाइज 0.35 × x = 5.05, देखो कितना है अपना 5.05, इम्प्लाइज x बताओ क्या होगा, 5.05/0.35 आएगा, ठीक है। उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड बाई 0.35, देखते कितना था अपना ये, यस आ गया आंसर अपना, दैट इज़ 14.43 कितना आएगा, ये मीटर्स में आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये आदमी जो है, जिसका वेट क्या है, डब्ल्यू बाई टू है, ये इस बॉटम पॉइंट से 14.3 मीटर जैसे चढ़ेगा, क्या होगा उसके बाद, ये अपना जो लैडर दिया हुआ है, स्लिप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और इसको प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, थैंक यू।